सोनाक्षी सेना ते ज़हीर इकबाल दा एक नवा गाना मतलब उन्हां दी एक नवी एल्बम जिहड़ी की 23 सितंबर नूं होई लॉन्च ते तुसी ओ गाना अगर देखिया ते नहीं देखिया मैं तुहानूं दसदी आ बहुत ही ज़्यादा है वधिया थोड़ा वेट करो मैं तुहानूं उहदी पूरी डिटेल दसदी आ चर्चा हुई सी कि दोनों एक दूसरे नूं डेट कर रहे हैं। हाल ही दे विच ये भी चर्चा हुई सी कि सोनाक्षी ने ज़हीर दे नाल कर लिया एंगेजमेंट। जी हाँ, लेकिन उहदी कन्फर्मेशन सोनाक्षी ने दित्ती नहीं। आए दिन दोनों दीआं जिहड़ियां फोटोआं ओह वायरल हुंदियां रहिंदियां, मतलब चर्चा च रहिंदे दोनों। कदी प्लेन दे विच उहनां दीआं जिहड़ियां फोटोआं ओह जिहड़ियां वायरल हो जांदियां, कदी पार्टीज़ दे विच पिक्चर्स वायरल हो जांदियां, मतलब आए दिन ओह दोनों दी पिक्चर वायरल हुंदी ही रहिंदी है। ते इस वारी जी उन्होंने एक एल्बम एक एल्बम जिहड़ी कि 23 सितंबर नूं जिहड़ा कि प्रोमो लॉन्च हो चुका है, उहदे विच ज़हीर ते सोनाक्षी दी कैमिस्ट्री देखण वाली है। जी हाँ, एक गाना जिहड़ा कि नाम है ब्लॉकबस्टर। इस गाने का नाम है ब्लॉकबस्टर और बहुत ही ज़्यादा सुनन दे विच वधिया लग रहा और लग रहा कि आए दिनों दे विच मतलब आने वाले टाइम दे विच ये गाना ब्लॉकबस्टर सच्ची हो जाना, क्योंकि इन्ना ज़्यादा वधिया सोहना गाना ते उन्ने ही सोने ज़हीर ते सोनाक्षी दोनों की कैमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वधिया लग रही है गाने च, तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो लोगों ने जिन्होंने ये देख लिया है, मतलब उन्होंने गाना प्रोमो जिहड़ा उन्होंने देख लिया है, उन्ना ही वो कमेंट करी जा रहे हैं। जी हाँ, जिन्होंने देखे वो कमेंट कर रहे हैं फैंस और कह रहे हैं कि कदों होने वाली है मैरिज, क्योंकि उन्होंने लगता कि सोनाक्षी ने एंगेजमेंट कर ली, लेकिन हजे तक जिहड़े कि जिन्होंने नाल उन्होंने एंगेजमेंट की है उहदा ना ही नाम दस्या है ते ना ही उन्होंने उन्होंने पिक्चर शो की है ते ना ही खुद बंदा सामने आया। लेकिन उन्होंने हजे भी यही लगता कि ज़हीर इकबाल ही है जिन्होंने नाल एंगेजमेंट हुई है, लेकिन फिलहाल कुछ भी पक्का नहीं है, क्योंकि बहुत ही मतलब टाइम पहला सोनाक्षी ने अपनी रिंग दे नाल मतलब रिंग नू फ्लॉन्ट करते हुए पिक्चर जिहड़ी कि वायरल हो गई सी, उहदे विच लोगों ने यही कहा कि ज़हीर दे नाल उन्हां दी एंगेजमेंट हो गई है, और सोनाक्षी ने भी पोस्ट करके यही कहा सी कि वह एंगेज हो गया, लेकिन किहदे नाल फिलहाल उन्होंने दसिया नहीं। हुण ज़हीर दे नाल उन्हां दी एक जिहड़ी कि एल्बम जिहड़ी कि लॉन्च हुंदी, मैनूं लगदा कि हुण जल्दी ही जल्दी जिहड़ा गाना बनिया ब्लॉकबस्टर हुण जल्दी फिल्म दे आन च भी चांस है। जी हाँ, दोनों की कैमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई है, बहुत ही सुपर डुपर हिट कर दिती है ये जोड़ी, तो मैंने लगता हूँ वो टाइम दूर नहीं जो दोनों असी बिग स्क्रीन पर देखांगे, मेरा मतलब एक फिल्म दे विच देखांगे, जो पब्लिक दो जोड़ियां काफ़ी पसंद करना शुरू कर देंदी है तो डायरैक्टर भी पिछे नहीं रहिंदे उन्हां दोनों जोड़ी नू लॉन्च करते हुए फिल्म दे विच, क्योंकि जो कि आप जी हमेशा ही देखते आ रहे हैं कि जिदा शाहरुख खान सीगे काजोल की जोड़ी सुपर डुपर हिट सी तो उन्होंने दियाँ फिल्मां बनदियां ही रहिंदियां सीगियां, जिहड़ी जोड़ी हिट हो जाती सी उन्हां दियाँ फिल्मां बननियां शुरू हो जाती सी। हुण इसे तरह ये जिहड़ा गाना ब्लॉकबस्टर देखना है कि गाना किन्ना क हिट हो जाए, और फिलहाल पब्लिक नू इन्हां दोनों की जोड़ी और कैमिस्ट्री दोनों ही बहुत वधिया लग रही है। अगर ये गाना हो जाएगा हिट तो हो जाएगी इन्हां दी जोड़ी भी हिट ते आनगे बिग स्क्रीन ते। जी हाँ, फिलहाल ही मेरा कहना है, कहना ही क्यों है, बॉलीवुड च हमेशा ये गल्लां होंदियां ही रहिंदियां, मतलब ये काम भी होंदे जो जोड़ी हिट ते वो बिग स्क्रीन ते भी दिखेंगे, ते जी ये आने वाला टाइम दसेगा कि ये दोनों बिग स्क्रीन ते दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। फिलहाल तुसी एक गाना इंजॉय करो ते होर भी बॉलीवुड दी न्यूज़ दी खबरां लैण वास्ते जुड़े रहो ते टीवी NRI एंटरटेनमेंट दे नाल ते मेरे नाल। सत श्री अकाल ते गुड बाय।